अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? किसके अभी तक पिछवाड़े में दम नहीं है कि खासदारा और सीएम का बैनर नहीं लगेगा? इस सरकार का बैनर है, पूरे देश की जो सरकार है उसका बैनर है। जितने भी इस बार जो डबल पैसा देके बैनर लगवाया है ना, बैनर लगाने में अगर रिदा रशीद आगे आएगी तो मुझे नहीं लगता है एक भी पोल इनको मिलेगा। दादा वर्गनी देने के लिए तो लगता है लेट गए थे, खाली हमारा गेट लगाओ, हमारा गेट लगाओ, तो उनके बारे में कुछ भी करो। अरे ऐसी ट्वीट तो रोज दिन करो, यही बोलना है, यही पूछो उसने क्या किया है भाई। वो खाली अपने कार्यकर्ताओं के सिवा जनता का कुछ गिना नहीं पाएंगे। दादा आपके यहाँ पे सब गणपति बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्या बोले? क्या है कि ये मुमरा का हमारा पहला गणपति है, घरगुती गणपति, और हम समझते हैं कि हमारे पूर्वजों से जो हमारे परदादी थे उनकी वक्त से ये गणपति हमारे घर में विराजमान है। और मैं समझता हूँ कि हमारे घर में जब गणपति आते हैं तो हमको एक बड़ी, सबको खुशी रहती है, लेकिन हमारे को एक अलग ही खुशी रहती, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो चाहने वाले हैं, बाप्पा के जो भक्त है, वो हम सभी आते रहते, हर साल आते रहते, और उनकी सेवा करने का हमें जो मौका मिलता है उसके लिए हम खुद को बहुत ही प्रसन्न और धन्यवाद मानते हैं। क्या है कि मैं अभी हमारे पूरे देश भर में जो गणेश उत्सव की धूम मच रही है उसके लिए मैं पूरे जो गणेश भक्तगण है उनको शुभकामनाएं देता हूँ गणेश चतुर्थी की, और सभी भक्तों को बप्पा का आशीर्वाद मिले यही प्रार्थना करता हूँ। दादा 19 तारीख को गणपति बप्पा आए, लेकिन बैनर बहुत आपके लेट लगे हुए हैं, लेकिन उस पर अजीत दादा का फोटो भी है, रेदा मैडम का फोटो है, आपका फोटो है, सभी नेताओं का फोटो है, लेकिन वो बैनर कल लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? नहीं कल लगे ऐसा नहीं, 4 दिन पहले ही लगे हुए, तो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बैनर वालों की तरफ से जो जल्दी सुन में आ रहा है ऐसा कि मुमरा में खासदार का और सीएम का बैनर नहीं लगने दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात हुई थी चर्चा? अभी ऐसा तो किसके अभी तक पिछवाड़े में दम नहीं है कि खासदारा और सीएम का बैनर नहीं लगेगा, ये तो पूरे हमारे जो पूरे महाराष्ट्र सरकार है इस सरकार का बैनर है, पूरे देश की जो सरकार है उसका बैनर है। और वो अगर आपको हमारे हर छोटे मोटे नागरिक को और बड़े नागरिक को अगर वो हमारे भक्तगण को शुभेच्छा दे रहे, गणेश उत्सव की शुभेच्छा दे रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। ठीक है वो पार्टी बात अलग है, वो सब अलग है, लेकिन वो शुभेच्छा दे रहे हैं। सर्वसामान्य जो आम जनता है उनको यही चाहते हैं कि हमको शुभेच्छा कौन दे रहा है, तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं ये शुभेच्छा दे रहे, तो वो लोगों में भी एक प्रसन्नता का माहौल बना है कि, और ये तो क्या बैनर वार तो होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर कहाँ गया किसी ने कि यहाँ पर किसी का बैनर नहीं लगने देगा, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। दादा गणेश उत्सव का बैनर लगाया गया, लेकिन एक दिन बाद ही ईद मिलाद नबी त्यौहार है, उसका बैनर जो है नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है कि अभी सब इसके बैनर लगे हुए, अभी हम लोग ने प्लानिंग किया था कि जो हमारा जो बैनर लगे हुए हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हम तुरंत वो बैनर लगाने वाले, क्योंकि ईद मिलादुन नबी का भी मैं सबको पूरे देश भर में पूरे दुनिया भर में ये ईद मिलादुन नबी का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मनाया जाता है, तो उनको भी मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शंकर मंदिर तालाब पे विसर्जन को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है, वहाँ पर तालाब में विसर्जन करने के लिए मनपा ने जो नोटिस बोर्ड वगैरह लगाया उसके बाद भी वहाँ विसर्जन किया जा रहा है, लगातार उसके श्रेय लेने की होड़ मची हुई है कि हमारे कहने पर विसर्जन किया जा रहा है। अगर नियम जारी किया गया है तो फिर क्यों विसर्जन करने दिया जा रहा है? क्या शंकर मंदिर तालाब सबसे हटकर है? क्या है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जब घर का विसर्जन शंकर मंदिर तालाब पे होता था तो हमारे जो ब्राह्मण है उन्होंने कहा था कि भगवान के सामने भगवान को विसर्जित मत करो, तो तभी इससे हमारी जो परंपरा रही हम लोग खाड़ी पे जो बहता पानी है उसमें विसर्जन करते, तो अभी यहाँ वो भी एक बात है। और एक पर्यावरण के दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल इतने साल से हम लोग तालाब का जो ये कर रहे थे काम, समझो काम नहीं हो रहा था, अभी तालाब का काम हो रहा है, तो आप देखेंगे ये तालाब पहले बहुत बड़ा था,
हम बचपन में जब हम लोग जाते थे वहाँ तालाब के किनारे सब बेर के झाड़ रहते थे, तो बेर हम लोग खाने के लिए तालाब में जाते थे जब सूखता था, तो वो तालाब बहुत बड़ा था लेकिन क्या हो गया वो भरनी होते होते छोटा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से जो तालाब में हर साल जो मच्छी मर जाती है, तालाब सूख जाता है, पानी उसकी हाइट कम डेप्थ कम होने की वजह से वो पानी कम हो जाता है और मच्छी मर जाती है। और आप सब आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो विसर्जित की गई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं उनका ये नहीं होता, विसर्जन सही तरीके से होता नहीं है, तो उनका फिर कहीं हाथ टूटेला रहता है, कहीं कुछ खंडित हो जाती है मूर्तियाँ, तो देखने को भी बहुत ख़राब लगता है। तो इसकी वजह से भी महापालिका ने, और अभी महापालिका उसके ऊपर खर्च कर रही महापालिका, तो इसके लिए महापालिका का कहना है कि आप तालाब को प्रदूषित न करने के लिए अभी हर साल, इतने साल से थाना शहर में आप देखेंगे कि हर तालाब के जो विसर्जन होते थे वो तालाब के, और एक शासन का निर्णय है कि तालाब में मूर्ति का विसर्जन मत कीजिए, कोई भी चीज़ का विसर्जन मत कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शासन का ये होने की वजह से इतने सालों से हम देख रहे हैं थाना में तालाब के बाजू में कहीं भी ऐसा नेचुरल तालाब तैयार किया जाता है और वहाँ पर मूर्तियाँ विसर्जित की जाती है। ये मुमरा में नहीं आया था, लेकिन मुमरा में ऐसा हुआ है कि अभी ये जो तालाब का काम हुआ है उसकी वजह से तालाब में जो एक गाल जो क्या बोलते मट्टी जमा हो जाती है, तो वो उसकी वजह से पानी की भी ये कमी होती है, तो उसकी वजह से तालाब में विसर्जन करने के लिए इस बार महापालिका ने मना किया था। थाना शहर में तो कितने सालों से ये चल रहा है, लेकिन हमने भी कहा था कि ये तालाब का जो विसर्जन नहीं करने का आप महापालिका ये कर रहे, तो इसके लिए बाकायदा आपको उन्होंने किया था, लेकिन वो छोटे छोटे बैनर से लोगों के इसमें जहन में वो बात पहुंची नहीं, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पर गए और लोगों की आस्था का भावनाओं का प्रश्न था, इसीलिए हमने ही, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं पिचर साहब, उनसे बात की थी कि इस बार जो भी लोग विसर्जन के लिए तालाब पे आएंगे उनको विसर्जन करने के लिए दीजिए, यहाँ पर कोई राजनीति मत करो, और हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर अभी जो लोग आए हुए उनको विसर्जन करने दो, तो उन्होंने भी इस बात को कि इस बार अपन ये करेंगे, लेकिन अगले साल से बाकायदा में उनको ये किया था कि आप बड़े बड़े बैनर लगाइए और 10 दिन पहले लगाइए, गणपति जब आने से पहले 10 दिन बैनर लगाइए कि कोई भी तालाब में विसर्जन नहीं होगा, कोई भी जो भी अपना महानगर पालिका हद्दी में अभी तालाब का बहुत बड़ा सब सुशोभीकरण चल रहा है, तो उसमें कोई भी तालाब में विसर्जन न करे। आप देखेंगे जो मासूंदा तालाब है उसके लिए बाकायदा एक छोटा सा पॉन्ड तैयार किया जाता है और उसमें मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, और ज़्यादातर अपने लिए समझो अपना अभी रेती बंदर में घाट है अपना बाबाजी पाटिल वाड़ी, रेती बंदर में दो घाट बनाए गए, बाबाजी पाटिल वाड़ी में इतना अच्छा घाट बना है, वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा हम लोग ने व्यवस्था की, आप वहाँ पर, और एक ऐसा इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि बहते पानी में विसर्जन होना बहुत अच्छी बात रहती है, इसके लिए मैं हमारे सभी नागरिकों से ये कहूँगा कि कोई भी आपने इसके कोई भी ऐसा बुरा मत लगा के ले लीजिए, और आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, आप इस बात को ध्यान में रखिए और अगले साल से आप विसर्जन बहते पानी में या खाड़ी में कहीं भी रेती बंदर है और अपना बाबाजी पाटिल विसर्जन घाट है वहाँ पर अपना विसर्जन के लिए मूर्ति विसर्जन के लिए ये रखें, इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। दादा जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है और आपने अपने घर में गणपति का आगमन किया, मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे आ गए, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब है? अभी क्या है कि ये हमारी परंपरा सालों से चली आ रही है, हम मेरे को भी मालूम नहीं है हमारे कितने साल का गणपति, लेकिन 70 साल या 72 साल हुए हमारे गणपति को, तो ये परंपरा जब से मुमरा में है, ये तो हमारा अभी ये नया घर हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे जो पुराना घर था वो तो बहुत बड़ा घर था और वहाँ पर इतने सारे लोग आते थे ना हर साल, इतना बड़ा ऐसा ये लगता था ना, जैसे पहले तो बहुत गणपति कम रहते थे, लेकिन अभी तो सब घर गणपति हुए, तो उसकी वजह से आते हैं, लेकिन 10 दिन में सभी लोग जो हमारे चाहने वाले हैं और बापा के जो भक्तगण हैं वो हमारे घर पर आएंगे ही आएंगे। आप भी आई थी यहाँ पर आज दर्शन करने के लिए, क्या बताएंगे? सभी को सलाम अलैकुम, नमस्कार, जय भीम। देखिए दादा किधर आज गणपति में मैं दूसरी बार आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर दादा किधर तो 200 दिन पूरा भंडारा चालू रहता है, तो उसका लाभ मैंने पहले भी लिया और आज भी माशाल्लाह के लिया, क्योंकि बस खाने का वैरायटी वगैरह होता है, तो
तो बस आज आके वापस से दर्शन किया और खाने का भी आनंद लिया। आपके यहाँ पर जो बैनर लगाया जा रहा था, वो बैनर जो है हटाने की बात हो रही थी, कुछ ऐसा कुछ मामला सामने आया था कि शंकर मंदिर नाके पे? देखिए, बैनर हटाने की तो कोई बात करेगा नहीं, और हटाने की बात करेगा तो जितने भी इस बार जो डबल पैसा देके बैनर लगवाया है ना, वो क्यों लगाया पता नहीं, डबल ट्रिपल पैसा दे दे के मंडलों को बोल के बैनर लगवाया है, गेट लगवाया है, उनका कैसा रहता और उनका कैसा रहने देती मैं? तो मेरे कान पे तो ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन बस राजन जी के आशीर्वाद से और आज की हमारी सरकार के आशीर्वाद से बैनर लगाने में अगर रिधा रशीद आगे आएगी तो मुझे नहीं लगता एक भी पोल इनको मिलेगा और एक भी कटआउट इनको लगाने की जगह मिलेगी। लेकिन शिखर है, बैनर पे नहीं काम करते हम लोग, हम लोग बस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो वही काम करने दीजिए हमको। मैडम, कोई मंडल बैनर लगाए आपके नज़र में, कोई आया काय काय बैनर लगाए थे, कोई मंडल है आपके नज़र में आपके? किसका बैनर? आपके बैनर लगाए थे मंडल नहीं? इस बार देखो, मंडलों का एक कट्टूकट हिसाब किताब होता है, जो जितना वर्गनी देगा वो उसका बैनर और उसका बैनर वगैरह उनका गेट वगैरह लगाते, ठीक है, वो उनका ये होता है, वो मैनेजमेंट का काम होता है। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा खड़े रह के देखा कौन कितना वर्गनी दे रहा है, तो यहाँ पर तो इस बार दादा वर्गनी देने के लिए तो लगता है लेट गए थे, आमचैनीज घया मुझे मंडलाना बोलून इतना टाइम तो मुझे लगता नहीं कोई मंडल, कोई बेचारे बहुत मंडल है जो अच्छा काम करते हैं, बाकी टाइम भी सोशल काम भी बहुत अच्छा करते, कभी इतने सालों से तो पूछा नहीं गया, लेकिन इस बार तो बंगले पे बुला के उनको वर्गनी दिया गया है। खाली हमारा गेट लगाओ। देखिए, आप कितना भी गेट लगा लीजिए, कितना भी बैनर लगा लीजिए, काम दिखना चाहिए। आप पैसा देके गेट लगा रहे हो और बैनर लगा रहे हो, दिखाई देता है, तो मुझे तो हमारा तो लगा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बार देख रहे थे और गेट और बैनर लगाने के लिए तो मैं दिखा चुकी हूँ, ये पहली बार थोड़ी ना है कि हम लोग बैनर और गेट लगा रहे, तो काम दिखा चुकी हूँ और अभी बस ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोग। नई संसद में बीजेपी के एमपी रमेश भिदोड़ी, इन्होंने सपा के जो एमपी हैं दानिश अली, उनको अपशब्द कहे और कई ऐसे शब्द कहे जो हम बता नहीं सकते, आपको आपने भी सुना होगा वो चीज़, तो किस तरह से एक मुसलमानों के खिलाफ जो है संसद के अंदर इस तरह का बयान, हालांकि वो दानिश अली को कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें एक सभी मुस्लिम अपने आप को जो है वो चीज़ फील कर रहे हैं, जो चीज़ बाहर फील होता था वही चीज़ अब संसद के अंदर फील हो रहा है। बिल्कुल, पहले अगर संसद का नाम लिया ही है, बीजेपी से ही आपने अगर संसद का नाम लिया है, तो जैसे गणपति बप्पा हमारे पहला दिन गणेश चतुर्थी के दिन बैठे हैं, आए हैं घर घर में, तो उसी दिन में हमारे देश में सबसे बड़ा एक काम हुआ है जो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैं उसी टाइम भी बाइट देना चाहती थी। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन हमारे देश में नया सांसद को ओपनिंग किया गया, उसमें प्रवेश किया गया पहले दिन, और पहला व्हील बोले ना, गणेश जी को अगर हम विराजमान करे हैं तो देश में एक और अच्छा काम हुआ, अगर घर की लक्ष्मी होती है अगर महिलाएं, तो यही मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे सरकार को, देश के सरकार को, कि उन्होंने अगर गणेश चतुर्थी का दिन लिया तो लक्ष्मी को भी नाराज़ नहीं किया, कि अगर कुछ काम होता है तो बोलते ना, कोई भी पूजा व्यवहार होता है तो उसमें हम गणेश जी का पहला मान होता है, तो उसी तरीके से लक्ष्मी का भी मान होता है। तो मुझे लगता है सांसद में इस बार सभी सांसदों ने मिलके जो व्हील का बात रखा गया, आपने बात किया वो छेड़ा है करके, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्या पहली बार महिला व्हील के बारे में, आरक्षण के बारे में बात किया, और जल्दी ही आरक्षण भी हमको आने वाले इलेक्शनों में मुझे लगता है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और आपने कहा जो सांसद ने कहा है, देखिए बहुत निंदनीय है वो, उस पर तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, एज अ मोमेडियन मैं मेरे तरफ से बोलूँगी, बहुत निंदनीय है जिस तरीके से वो गाली गलौज हुई है, बाकी तो उस पर ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बोलते ना, सभी के घर में या सभी के टीमों में एक ऐसा होता है जो पूरा, बोलते एक तालाब में एक मछली पूरा तालाब को ख़राब करती है, होते हैं ऐसे लोग, तो मुझे लगता है ये भी इंसान उसी में का है जो सांसद है। यहाँ के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उन्होंने कहा कि
बीजेपी जो है देश भर में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहा है। देखिए यहाँ के विधायक की तो बात मत करो आप, यहाँ का विधायक ने हाँ तो कहा, यहाँ के विधायक ने जो जो किया है ना, यहाँ के गली के मैं बच्चे से पूछ लूंगी, यहाँ के एक इंसान से, यहाँ के एक नागरिक को पूछ लूंगी ना, तो उनके बारे में कुछ भी नहीं गिना पाएंगे। तो ठीक है, वो कार्रवाई होनी चाहिए, और खाली बोलने से नहीं होगा, खाली बोलो ट्वीट करो, अरे ऐसी ट्वीट तो रोज दिन करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि उसने कहा है जो अब सब यूज किए हैं उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विधायक बोल रहा है, ये विधायक ने क्या नहीं बोला है उसको यही बोलना है, यही पूछो उसने क्या किया है भाई। हमारे मुमरा कलवा विधानसभा में उसकी उसकी ना वो योजनाओं की बात कर लो, उसने क्या क्या किया है पूछ लो, वो खाली अपने कार्यकर्ताओं के सिवा जनता का कुछ गिना नहीं पाएंगे, तो उस पर तो नो टिप्पणी ही नहीं करूंगी मैं। लेकिन जो बोला है सांसद ने गलत बोला है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।